संयुक्त किसान मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक, राकेश टिकैत को आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखाने पर भी चर्चा। दोपहर 12 बजे पंजाब के जत्थेबंदियों की होगी बैठक, जबकि 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के 40 सदस्यों की होगी बैठक। बैठक में 18 फरवरी को रेल रोको अभियान पर बनेगी रणनीति, शांति के साथ अभियान को सफल बनाने पर होगी चर्चा। किसान आंदोलन को सबसे बड़ा झटका, प्रदर्शनकारी किसान अपने घर लौट रहे हैं, किसान नेताओं में फूट से आंदोलन पड़ा कमजोर। दीप सिद्धू से आज क्राइम ब्रांच और आईबी की टीम करेगी पूछताछ। दीप सिद्धू को 30,000 कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा, क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है दीप सिद्धू। आज इकबाल सिंह की कोर्ट में पेशी, पुलिस करेगी रिमांड की मांग, आज इकबाल सिंह की रिमांड में हो रही है खत्म। इकबाल 26 जनवरी लाल किला हिंसा का आरोपी है, कोर्ट ने इकबाल सिंह को 7 दिन की कस्टडी में भेजा था। सनातन धर्म का अपमान करने में जुटे टिकैत, हनुमान जी के बाद अब भगवान राम का किया अपमान, कहा गन्ने के भुगतान से बन जाएगा राम मंदिर। टूलकिट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर अदालत आज सुनाएगी फैसला, शांतनु को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट बेल। टूलकिट केस में फरार शांतनु पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, 20 से 27 जनवरी को दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर था मौजूद। किसान आंदोलन के नाम पर दंगा कराने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका में पाकिस्तान दूतावास के जरिए खालिस्तानी आतंकियों के साथ हुई बैठक। किसान आंदोलन में टूलकिट से साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस की जूम कंपनी को चिट्ठी, 11 जनवरी को ऑनलाइन मीटिंग पर मांगी जानकारी। दिल्ली हिंसा केस में दिशा रवि के बचाव में केजरीवाल सरकार, दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस, दिशा की गिरफ्तारी पर मांगा जवाब। दिशा रवि के बचाव में आए कन्हैया कुमार बोले, दिशा अगर दंगाइयों का समर्थन करती तो मंत्री, सीएम या पीएम बन जाती। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के नेताओं के साथ बैठक की, बैठक में भूपेंद्र यादव समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार, कई शहर थे निशाने पर। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों के निशाने पर थे कई हिंदू नेता, आरोपियों से 32 बोर के पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, इसके अलावा दोनों के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आज पीएम मोदी नैसकॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फॉर्म के 29वें एडिशन का उद्घाटन करेंगे, यह आयोजन आज से 19 फरवरी तक होगा। जेपी नड्डा आज धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल, 2 दिन तक चलने वाली बैठक में विधानसभा चुनाव पर होगा महामंथन। यूरोपीय संघ के 23 सदस्य आज कश्मीर जाएंगे, डीडीसी चुनाव के बाद कश्मीर के हालात की लेंगे जानकारी। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी, महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में करवाया गया भर्ती। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा हरिद्वार में कुंभ, उत्तराखंड सरकार ने किया ऐलान, कुंभ मेले की आधिकारिक अधिसूचना मार्च महीने में हो जाएगी जारी। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया, उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राहुल गांधी आज पुडुचेरी का करेंगे दौरा, विधानसभा चुनाव और पार्टी में मचा घमासान को भी खत्म करने की करेंगे कोशिश, मछुआरों और स्कूलों के छात्रों को संबोधित करेंगे। भारत चीन समझौते के बाद एलएसी पर चीन के सैनिकों के पीछे हटने के आए नए सबूत, पैंगोंग झील के पास पीछे हट रहे हैं चीन के टैंक। पूर्वी लद्दाख में सेना ने ध्वस्त किए चीन के अतिक्रमण वाले निर्माण, भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। सीए कानून के खिलाफ दिल्ली हिंसा केस में 1 मार्च तक बढ़ाई गई उमर खालिद और शर्जील इमाम की न्यायिक हिरासत। गुजरात के गोधरा केस में 19 साल बाद बड़ी गिरफ्तारी, मुख्य आरोपियों में से एक रफीक हुसैन गिरफ्तार, पंचमहल से पकड़ा गया रफीक। पीएम मोदी 22 फरवरी को हुगली में करेंगे जनसभा, दक्षिणेश्वर नोआपाड़ा मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। 18 फरवरी को एक बार फिर बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 24 परगना के काकद्वीप से कोलकाता के लिए परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 24 घंटे के भीतर ही ममता की मां रसोई ने तोड़ा दम, कोलकाता के टॉपसिया में समय से नहीं पहुंचा खाना, खाने के इंतजार में लगी रही लोगों की कतार। ममता बनर्जी को लग सकता है एक और झटका, कई बड़े नेता जल्द छोड़ सकते हैं टीएमसी, सूत्रों के हवाले से खबर। ममता बनर्जी के घर में तोड़फोड़ की कोशिश, प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने घर में घुसने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए, तृणमूल विधायक निहार रंजन घोष के घर और ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, पुलिस से की शिकायत। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता आपस में भिड़े, टीएमसी नेता पर ही पार्टी के दूसरे नेता के घर पर तोड़फोड़ का आरोप। उत्तराखंड के तपोवन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हुई, जबकि अभी भी 148 लोग लापता।
उत्तराखंड आपदा के 10वें दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे के बाद से अभी भी 148 लोग लापता। दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा में आईईडी ब्लास्ट, धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ डोगरा फ्रंट ने खोला मोर्चा, बस स्टैंड से मिले आईईडी के पीछे बताया पाकिस्तान का हाथ। देश के 188 जिलों में 7 दिनों में नहीं मिला कोरोना संक्रमण का कोई नया केस, हर्षवर्धन बोले अगले महीने से 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। कोरोना से जंग में जीत की ओर दिल्ली, सिर्फ 1019 एक्टिव केस, 24 घंटे में 94 नए केस, एक की मौत। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, खाई में गिरने से अब तक 47 लोगों की हुई मौत। झारखंड के बोकारो में एक तेज रफ्तार ट्रक हुआ बेकाबू, रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क की दूसरी तरफ घुसा, ट्रक की चपेट में एक कार भी आई। पटना के कालिदास रंगाले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगी आग, कोई हताहत नहीं, मंच पर सिक्किम के राज्यपाल समेत कई नामी हस्तियां भी मौजूद थी। बाड़मेर से राजस्थान पुलिस ने 50 करोड़ की हेरोइन जब्त की, सीमा पार पाकिस्तान से 7 किलो हेरोइन की गई थी सप्लाई, आरोपी से पूछताछ जारी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चेन्नई टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हराया, दूसरी पारी में अक्षर पटेल ने लिए 5 विकेट, 4 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर। गंगा के दिल को भाया मध्य प्रदेश, सतपुड़ा के जंगलों की जमकर तारीफ की, कहा हिमाचल से भी ज्यादा खूबसूरत है।